الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال في موضع آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم دوستو بزرگو اور پردہ نشین مائیں بہنیں اور بیٹیاں सबसे पहले तो अल्लाह जल्ल शानुह का बहुत ही बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है और दूसरा सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तमाम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया। दुआ फरमाया अल्लाह हम सबको इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। शाबान का महीना चल रहा है, इसलिए चंद बात उसी सिलसिले में आप हजरात के सामने कहनी है। दुआ फरमा अल्लाह मेरी जबान से सही बात निकलवा कर अल्लाह मुझे भी और आपको भी और जहां तक आवाज पहुंचे तमाम मुसलमान भाइयों को माओ बहनों को इस पर अमल करने की तौफीक अदा कर रहे हैं। लेकिन तबीयत के तौर पर पहले दो बातें मैं आपको समझा दू। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब का चांद नजर आए तो वो दुआ सिखाई थी जो मैंने आपको रजब के बाद बदलाई थी, अल्लाहुम्मा बारिकना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह हमारे रजब में बरकत दे और अब शाबान में बरकत अता फरमा हमें रमजान तक पहुंचा दे। अब ये दुआ अल्लाह के रसूल ने मुझे और आपको सिखाई है, वो क्यों सिखाई है? खाने पीने के लिए नहीं कि अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे, रमजान का महीना खैर आफिर के साथ नसीब पर, खाने पीने के लिए नहीं, ऐशो आराम के लिए नहीं, जैसे आजकल की रमजान हो गई है, यहां भी ऐसा होता है लेकिन बहुत कम होता है, मुल्कों में तो बहुत ज्यादा होता है, सैर तफरी के लिए नहीं, रमजान की वो रातें और रमजान के दिन जो बरकत वाले हैं उन बरकतों से मुझे मुस्तफीद फरमा ताकि उससे कुछ मैं हासिल कर सकूं। और इसको पाने के लिए किसकी जरूरत है? रमजान की जरूरत है कि रमजान आएगा नफल का जवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का जवाब सीधे फर्जों के बराबर, ये कब मिलेगा? जब रमजान आए। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने यह दुआ सिखाई है कि इन महीने में जितनी हो सके नेकियां अपने खाते में डाल दो, वो आपको काम आएगी। अल्लाह इस उम्मत पर रहम फरमाए मेरे भाई, मैं आपके बात शुरू में कहता हूं ध्यान से सुने, अल्लाह इस उम्मत पर रहम फरमाए।
आज हर एक की जबान पर ये बात है, हालात है, हालात है, महंगाई है, परेशानी है, जलजले हैं, मुसलमानों को मारा जाता है, हर आदमी की जबान पर ये हालात की बातें चल रही है। ये हालात ध्यान से सुनिए, मेरे और आपके लाए हुए हैं, ये हालात मेरे और आपके लाए हुए। मैं आपको समझाता हूं कैसे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने देखा होगा, जो हजरात उमरे के लिए हज के लिए गए होंगे तो ओहद पहाड़ देखा होगा, और ओहद पहाड़ के करीब एक ऐसे पहाड़ है, वहां कुछ सहाबा को अल्लाह के रसूल ने, जहां से दुश्मन के आने का खतरा था, सहाबा को वहां 50 सहाबा को खड़े किया और ये कहा, हमारी शिकस्त हो या हमारी जीत हो, हमें कामयाबी मिले या हमें हार मिले, तुम्हें यहां से हटना नहीं। क्या बोला? हटना नहीं, यही रहना है। लेकिन जब कामयाबी मिली तो उन्होंने अपनी जगह 50 सहाबा ने छोड़ दी, तो जो जीत का मरहला था वो कहां बदल गया? सीधा हार के अंदर। यानी हुआ ये कि जिसमें 70 सहाबा किराम शहीद हुए, कितने? 70। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दान मुबारक शहीद हुए। आप एक खड्डे में गिर गए और आपने दो बख्तर पहने हुए थे, इसलिए आपको निकालना बहुत मुश्किल था। अबू तलहा वो खड्डे में अंदर गए और आपको अपने कंधे पर सवार किया, फिर आपको किसी तरह से बाहर निकाला। ये सारी तकलीफों की वजह क्या हुई? ये सारी तकलीफें उठानी पड़ी। 70 सहाबे के नाम शहीद हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दान मुबारक शहीद हुए, आपको करीबी घुस गई, ये सारी तकलीफें हुई एक बार नबी के न मानने की वजह। एक बार नहीं मानी, क्या कहा था कि यहां से हटना मत, लेकिन सहाबा निकल गए तो पूरा पासा पलट गया और पलट कर ये हालात आ गए। जब नबी होते हुए जो अफजलुल बशर है, इमामुल अंबिया है, खातमुल नबीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो मौजूद है और मेरे भाइयों एक बार के न मानने की वजह से ये हालात आ सकते हैं, तो आज में और आप हजारों बातें नहीं मान रहे हैं तो फिर हालात नहीं आएंगे तो क्या होगा? समझ में आई बात? हजारों बातें हम नहीं मान रहे हैं। आज मेरी और आपका शादी का मरहला देखो, मेरे और आपके घर का मरहला देखो, खाने पीने का हाल देखो, क्या है? यही तो है अय्याशी। नबी पाक सुन्नतों को छोड़ना, वो सुन्नतों से मोहब्बत नहीं, फिर कहते घर में हालात, बीमारी, ये हुआ। मेरे भाई ये सब हमारी वजह से है, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। तो एक बार, इसलिए उलमा ने लिखा है कि जब नबी होते हुए ये हालात है तो औलिया और औलिया जो बाद में बुजुर्गान दीन औलिया है उनके जमाने में हालात नहीं आ सकते, आ सकते हैं, आ सकते हैं। यही नतीजा दुनिया में हालात देख रहे हैं। इसीलिए आज गैर हमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारा खुदा कैसा है, हमारे मुख्य तो कुछ होता नहीं, गैर हमें कुछ होता नहीं, कोई अजाब नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं होती। कुरान करीम में उन लोगों ने भी कहा था, अबू जहल वगैरह ने, वामतिर अलैना हिजारत मिन समा अव इतना भी अजाब नहीं, अगर मोहम्मद तो सच्चा है तो अल्लाह से कहे हमारे ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दे, अभी इतना भी अजाब नहीं, यह हमारे लिए अजाब लिया है, कह दे अपने अल्लाह को। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे आका, मेरे महबूब, मैं उनके ऊपर ये अजाब नहीं ला रहा हूं। वो धोखे में न समझे। कुरान करीम में सूरह अनफाल में बयान फरमाया, वमा कान अल्लाह लियुअज्जिबहुम वअंत फीहिम, क्योंकि इनके ऊपर अजाब नहीं, उनका हाल भी वही है, कौम लूत, कौम समूद, कौम आद, जितनी वो कौम गुजरी है ऐसा ही वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर हालात नहीं आ रहे हैं। वमा कान अल्लाह लियुअज्जिबहुम वअंत फीहिम, इसलिए कि आप उनमें मौजूद है, आप उनमें मौजूद है, इसलिए ऊपर हालात नहीं आते, आपकी वजह से बचे हुए हैं। अगर आप न होते तो उनके ऊपर हालात आ जाते। अब सवाल पैदा होता है,
सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल तो चले गए, दुनिया में नहीं है, तो क्या फिर हालात आ जाएंगे, ऐसा मौका आएगा? फरमाया अल्लाह ताला ने आगे उसी बात को फरमाया, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, सूरह अनफाल की यह आयत है। आगे अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाह मुअज्जिबहुम वहुम यस्तगफिरून, अगर आपके जाने के बाद आपकी उम्मत इस्तिगफार करती रहेगी तब भी हालात नहीं आएंगे, तभी मैं उनको अजाब में नहीं मुब्तला करूंगा। है कोई अल्लाह का बनना इस्तिगफार में? है कोई अल्लाह का बनना दीन में कितनी मर्तबा इस्तिगफार? नहीं, हम दूर है मेरे भाइयों इससे। फिर हम शिकवा शिकायत करें, हालात है, परेशानी है, तो फिर क्या होगा? नबी की सुन्नतों और नबी की सुन्नतों पर अमल करने से कितना अल्लाह हमारी इसी पे मर्फियत फरमा देते हैं। और मैं आपको सही वाक्य बताऊं, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी बहुत बड़े बुजुर्ग, इनको चलता फिरता कुतुब खाना, ऐसा अल्लाह ने दिमाग दिया था, कंप्यूटर से भी ज्यादा बढ़कर ऐसा दिमाग अल्लाह ने उनको दिया था, अल्लामा अनवर शाह का, इसलिए उनका नाम है अल्लामा, बहुत ज्यादा इल्म उनके पास। उनके हालात में आता है, उन्होंने उनकी किताब में लिखा हुआ है उनका वाकया। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, और नबी से मोहब्बत है तो नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाओ, लाओ जिंदगी में सुन्नतें आनी चाहिए, नबी के तरीके हमारी जिंदगी में आने चाहिए। तो लिखता है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, बहावलपुर या भागलपुर जो पाकिस्तान में है, वहां खत्मे नबूवत के सिलसिले में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, हजरत को दावत मिली, और हजरत उस जमाने में बहुत बीमार थे। कैसे थे? बहुत बीमार, उनसे सफर करना भी मुश्किल था, लेकिन किसी तरह सफर करते हुए वहां पहुंच गए। और उस मजमे में 10,000 उलमाए किराम थे, कितने? 10,000 उलमाए किराम मौजूद थे, किसी तरह वहां पहुंच गए। अब जब वहां पहुंचे तो हजरत ने अपनी जबान से कहा, मेरे भाइयों आप भी सुनो, हजरत ने फरमाया मैं बहुत बीमार हूं, दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, मैं यहां इसलिए आया हूं, मेरे पास कुछ अमाल नहीं, अमाल का कुछ मेरे पास खाली। कौन कह रहा है मेरे भाइयों, कौन कह रहा है? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, वो कह रहे मेरे पास अमाल नहीं है, मैं खत्मे नबूवत पर दो बातें कह दू, अल्लाह मेरी उसी पर मुफ़ीरत फरमा दे, इश्क़े रसूल को मग़फ़िरत फरमा दे, मैं दो बातें कह दूं, इसलिए आया हूं। उस मजमे में लिखा है उनके सागिर मौलाना हबीबुर रहमान मौजूद थे, हजरत मौलाना हबीबुर रहमान मौजूद थे, वो कहने लगे हजरत आप जब ये बात कहेंगे कि मेरा आमाल नामा खाली है, इश्क़े रसूल में मैं आया हूं कि मुझे इस पर, तो फिर हमारा क्या होगा? आपके तो बहुत बड़े सागिर है, आपके आपके तो सागिर भी शेखुल हदीस है, आपके तो इतने सागिर हदीस में आता है कि आदमी जब मर जाता है तो उसका दफ्तर बंद हो जाता है, लेकिन तीन चीजों का सवाब उसको मिलता रहता है। एक होता है, एक आपको मालूम है, एक वो है कि जो नेक औलाद छोड़ी हो, एक उसने कोई कुआं वगैरह मस्जिद बनवा ली, और तीसरा उसके सागिर उनके लिए दुआएं करते थे। तो आपने बहुत बड़े सागिर आपने छोड़े हुए, अच्छे अच्छे सागिर, आप ये कह रहे तो हमारा क्या होगा? हजरत ने उसमें क्या फरमाया, उस मजमे में अल्लाह अनवर शाह कश्मीरी क्या फरमाया, उनके सागिर थे, फरमाया ये झूठा है, उनको बिठाओ, ये मेरी तारीफ करके मुझे गुरूर में डालना चाहता है। हजरत ने क्या फरमाया, ये झूठा है, उनको बिठाओ, ये मेरी तारीफ करके मुझे गुरूर में डालना चाहता है, मेरे पास तो अहमान नामे में कुछ नहीं है, मैं अल्लाह के पास, मेरे जाने का वक्त आ गया, मैं वहां जाकर क्या जवाब दे सकता हूं? मेरे भाई हुआ, वहां जलसा हो गया, बहुत बड़ी हजरत ने बहुत बातें बयान फरमाई, एक खत्मे नबूवत के सिलसिले बातें कह दू, उन्होंने शाबान के बाद रह जाए, एक बात आपको कह दू, उन्होंने एक बात ये कही खत्मे नबूवत के सिलसिले में कि हर आदमी अपनी सारी चीज दे सकता है, जैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने जकात भी देगा, लीला भी देगा, और सदका भी देगा, जो भी देगा, जो अपनी जो भी चीजें हो वो अपनी सारी चीजें, लेकिन जो अपनी खुसूसी और इम्पोर्टेंट चीज है वो नहीं देगा। जैसे अगर कोई फैक्ट्री चलाता है उसका लोगो है तो वो लोगो आपको नहीं देगा, वो आपको किसी को नहीं देगा, वो लोगो अपने पास जमा रखेगा, क्यों? कि वो लोगो से तो उनका काम चलता है, उस लोगो से तो उसका काम चलता है, तो उसकी खुशूस। फिर हजरत ने फरमाया अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने
कि नबी पाक असम ने उम्मत को तकवा भी दिया, उम्मत को इलम नहीं दिया, उस उम्मत को माल की जरूरत थी माल भी दिया, लेकिन खत्मे नबुवत आपकी खुसूसियत थी, आपने किसी को नहीं दी, जैसे वो लोगों को ही नहीं किसी को नहीं देता, इसी तरह खत्मे नबुवत आपकी खुसूसियत थी आपकी। ये हजरत अल्लामा सारे मजमे ने यानी सुभान अल्लाह कहने लगा। फिर इसके बाद में आपको जो बात कहना चाहता हूँ, असल बात ये है, हजरत वहां से सफर करके वापस आए, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारे हुए चले गए। कई जमाने के बाद सिलसिले नक्शबंदी के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हजरत की कब्र पर आए और वहां मुराकबा किया, और हजरत मौलाना अंदर शाह कश्मी नवल्ला मरकजू फरमाते हैं कि आपके साथ हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नवल्ला मरकजू वो भी थे, और आपके साथ कारी तैयब साहब नवल्ला मरकजू वो भी मौजूद थे। बहुत देर तक मुराकबा हो गया, तकरीबन एक दो घंटे तक मुराकबा किया। फिर मुराकबा करने के बाद वो दारुल उलूम देवबंद के मेहमान खाने में तशरीफ लाए। जब मेहमान खाने में आए, हजरत मौलाना हुसैन मदनी नवल्ला मरकजू ने कारी तैयब साहब से फरमाया कि आप पूछिए कि मुराकबा किया तो क्या हुआ, मेरी तो हिम्मत नहीं है, कारी तैयब साहब फरमाया मेरी हिम्मत नहीं है, आप पूछे तो मौलाना हुसैन फरमाया कारी तैयब साहब से मेरी हिम्मत नहीं कि मैं पूछूं, फरमाया आपने मुराकबा किया, मुराकबा में क्या हुआ। मेरे भाइयों सुनो, वो सिलसिले नक्शबंदी के बुजुर्ग ने फरमाया कि मैं एक डेढ़ घंटा वहां कब्र में मैंने मुराकबा की हजरत की, और मैंने रूहे अनवर से मुलाकात की, हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह की रूह से मुलाकात की, तो मुझे मुलाकात में ये बतलाया गया कि मैं बरज़ख में यानी कब्र में गया, कब्र में जाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने खत्मे नबुव्वत में जो बात मैंने कही थी वो इश्के रसूल मुझे काम आ गई। मैं जैसे ही कब्र में पहुंचा, सवाल जवाब करने वाले आए तो अल्लाह के रसूल आ गए, फरमाया उनको छोड़ो ये मेरा है, ये मेरा है। मेरे भाइयों सोचो जरा, इश्के रसूल पर, और कितने बड़े अल्लाह वाले, इश्के रसूल पर उनकी मग़फ़िरत हो गई, इश्के रसूल पर, ये इश्के रसूल इतनी बड़ी चीज है। अब आगे मैंने आगे जो मैंने आयत पढ़ी वो आपको समझाओ, आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, मा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो नबी तुमको दे वो ले लो, यानी नबी जिन बातों का हुक्म करे वो ले लो, यानी उसका मतलब ये कि हम वही करेंगे जो हमारे आका में बतलाएंगे। क्या है हम, उसका मतलब क्या हुआ, हम वही काम करेंगे जो हमारे आका में बतलाएंगे। आगे अल्लाह फरमाते वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, और नबी जिन बातों से तुमको रोके वो काम तुम न करो, जो हमारे आका नहीं बतलाएंगे वो काम हम नहीं करेंगे। क्या होगा अगर हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया में कामयाब। देखो याद ना, सुन्नत बहुत बड़ी चीज है, सुन्नत इतनी बड़ी चीज है कि सुन्नत पर आज दुनिया में हमारी इज्जत हो सकती है, लेकिन अगर सुन्नतों को छोड़ा, याद रखना तरीकों को छोड़ा नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो क्या होगा, अल्लाह ने अपने नबी की जबान पर कहलवा दिया मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम यहूदी होकर मरो या नसरानी होकर मरो। कौन कह रहा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने अब अल्लाह के रसूल की जबान पर कहलवा दिया मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सुन्नत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आज सुन्नतों का मजाक हो रहा है, सुन्नतों को अमल की दूर की बात है, सुन्नतों का आज लोग मजाक कर रहे हैं, पारा मामले टखनों के ऊपर है, पिल्ली तक टखनों के ऊपर रखना ये तो वाजिब है, ये तो वाजिब है, जरूरी है, कंपल्सरी है, भाई पिल्ली तक रखना ये सुन्नत है, लेकिन अगर वो पिल्ली तक रखेगा तो उनकी मजाक उड़ाई जाती है। अल्लाह माफ फरमाए, मैं आपको बताऊं, बोल नहीं सकता आपके सामने, कहने का मकसद ये है कि फिर हालात नहीं आएंगे तो क्या होगा, इसलिए नबी जो ले उसको ले लो, नबी जिनसे मना करे उनसे रुक जाओ। इसी तरह ये शाबान का महीना, नबी ने हमें शाबान में क्या बतलाया, रिवायत बहुत सा, तकरीबन 10 सहाबा से रिवायत है, रिवायत में कुछ कलाम है, कुछ कलाम है ज़ईफ़ है, लेकिन अकाबिर फरमाते हैं कि बहुत सारी रिवायात की वजह से वो दर्द हसन तक पहुंच जाती है, तो बहुत सारी रिवायात, तकरीबन 10 रिवायात है, उन रिवायत में नबी पाक असम ने यही हमें तालीम दी, नबी पाक असम इस महीने में कसरत से रोजे रखते थे। महाराजा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला फरमाती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखते थे,
उम्मे सलमा की रिवायत आप बता लू, उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 महीने लगातार रोजे नहीं रखे सिवाय शाबान और रमजान के, सिवाय शाबान और रमजान के। तीसरी बात, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल फरमाया, रमजान के बाद कौन से रोजे अफजल है, कौन से महीने के रोजे अफजल है, तो आप फरमाया शाबान के महीने के। फिर चौथी रिवायत, हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला ने, आपके चहीते सहाबी, आपके मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला ने के बेटे हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला ने रिवायत फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखते थे। मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा कि क्या बात है, आप अल्लाह के रसूल शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया, अल्लाह के रसूल ने पास फरमाया कि इस महीने में आमाल नामा अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, मैं चाहता हूँ मेरा नामा आमाल इस हाथ में पेश हो कि मैं रोजे से हूँ। यानी इन सारी रिवायात से मेरे भाइयों हमें क्या बात मालूम हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजा रखती थी। और ये भी याद है, दो और उलमा ने लिखी है, इसलिए कि रमजान से पहले है और पूरे 11 महीने तक आदमी खाता पीता रहा, अब इसके बाद रमजान के महीने में जब रोजा रखने की बारी आएगी तो फिर उनको तकलीफ होगी, कहा कि पहले मश्क कर लो, प्रैक्टिस कर लो, इसलिए आप सब शाबान के महीने में। और एक वजह और भी लिखी है मुहद्दिसीन ने कि नबी पाक सल्लम चूंकि सहाबी आपकी जो हजरत मुतहरात थी, मेरी और आपकी माए थी, वो इन महीनों में इस महीने में रोजा रखती थी, जो उनके छूटे हुए रोजे होते थे वो रखती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ रोजे रखते थे। तो बहुत सारी वजह है, बहरहाल शाबान के महीने में रोजा रखे, कसरत से रोजा रखते थे। अब रही ये बात, मंडे को पीर के दिन शबे बरात है, हम उसको शबे बरात कहते हैं। शबे बरात ये फारसी लफ्ज है, कौन सा लफ्ज है, फारसी, शब का माने रात, बरात का माने मकसद वायदा, हम उसको बोलते हैं शबे बरात, लेकिन अरबी में उसको कहा जाता है निस्फ मिन शाबान, मिन शाबान, यानी शाबान की 15वीं रात, और शाबान की 15वीं रात ये मंडे वाली नाइट है। मेरे भाई याद रखना, उलमा ने लिखा है इस्लाम में हजरत अली रजी अल्लाह तआला की रिवायत है, खाली एक रिवायत है कमजोरी, उसमें कलाम है, उसमें लिखा है कि रात को क्याम करो और दिन को रोजा रखो, लेकिन रात का क्याम सहाबा से साबित, रात जागना साबित, ताबीन से रात में जागना साबित, कभी ताबीन से रात में जागना साबित, इसलिए इस रात में अगर जिससे हो सके वो जो जाग सकता है वो जागे, और जिसके अंदर ताकत नहीं है दूसरे दिन काम पर जाना है वो ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए, फजर की नमाज पढ़ के, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, उनको पूरी रात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन जिनको कुछ काम नहीं है वो घर में इबादत करे, किसमें इबादत करे, मस्जिद में नहीं, घर में। उलमा ने लिखा है घरों को, अल्लाह के रसूल ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, जैसे कब्रिस्तान में मैत इबादत नहीं करता, तुम भी अपने घरों में इबादत न करो, ऐसा न करो, घरों में नमाज पढ़ो। तो ये रात में इबादत कर लिए, और इबादत आज के वसा पचन पड़ा है, ऐसी 2 रकात पढ़ो, ऐसी 4 रकात पढ़ो, ये पढ़ो, ये नबी से कहीं साबित नहीं है। मैंने पहले ही शुरू में आपको इसलिए समझाया था कि जो बात नबी बतलाए वो ले लो, और जिनसे मना करे वो न लो। अब मैंने ये भी कहना है कि इस रात में इबादत, खास इबादत, ये 4 रकात पढ़नी है, ये 2 रकात पढ़नी है, ये कुछ नहीं है, जिनको जो करना हो वो करे, कुरान की तिलावत करनी है कुरान की तिलावत करे, और जिनको नमाज नवाफिल पढ़नी है नवाफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़े, जो भी करना हो वो करे, दुरूद व सलाम पढ़े, लेकिन कोई खास इबादत नबी से साबित नहीं है, ये मुबारक। और ये भी यार नहीं, रोजाना हर रात में ये ऐलान होता है, हर रात, और रात के आखिरी पहर में, इसीलिए उलमा फरमाते हैं, अकाबिर फरमाते हैं कि 2-4 रकात जल्दी उठकर तहज्जुद की पढ़ लो, क्योंकि उस वक्त अल्लाह पहले आसमान पर होता है, अल्लाह ऐलान करता है, कोई मकफियत तलब करने वाला मैं उनकी मकफियत कर दूं, है कोई रिस्क का तलब का मैं उसको रिस्क अता करूं, है कोई मुसीबत में मुबतला मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं, हर रात ये ऐलान होता है। लेकिन ये ऐलान कब होता है, आखिरी पहर में, आखिर। लेकिन बात कुछ रातें ऐसी है कि जहां ऐलान होता है मगरिब की नमाज के
बात, उनमें से एक शबे बरात है, इस तरह ईदेन की रात है, इसी तरह रमजान मुबारक की रातें हैं, शबे कदर हैं। इन रातों में ऐलान होता है मगरिब की नमाज के बाद, अगर हम इनको गफलत में गुजार दें, इबादत करनी है जिनसे जो हो सके, कोई मखसूस इबादत नहीं है। और माफी मांगने का रिवाज क्या होता है, व्हाट्सएप पर कह दिया, एक दूसरे को इधर का उधर, उधर का उधर पहुंचा दिया, ये माफी का तरीका नहीं है। माफी मांगनी है तो उनके सामने जाकर, उनके पास जाकर माफी मांग लो, ये व्हाट्सएप के जरिए नहीं, उनके पास जाकर। इसी तरीके से व्हाट्सएप ये सारी बातें ये बता रही, बिल्कुल ये कोई किसी को मालूम न हो, वो कोई जानता नहीं है, ऐसी रकात पढ़नी है, ऐसी रकात पढ़नी है, वो जानता नहीं है, तो उनको किसी के ऊपर फॉरवर्ड भी न करे, फॉरवर्ड भी न कर। मैंने पहले भी बताया, कोई इबादत साबित नहीं है कि ऐसी इबादत को, इबादत करनी है जैसे आए, जो आए जिस तरीके से आपको करनी हो इबादत, अपने घरों के अंदर कोई इबादत करे, लेकिन कोई मखसूस इबादत साबित नहीं है। तो मैंने आपको सारी बातें, और भी दूसरी बातें हैं, वो इंशाल्लाह शाबान की 15वीं रात को कि वहाँ किमकी बख्शी रोटी है, किमकी हदीस पे आता है, कबीले बनी कम के बालों के बराबर इस रात में जहन्नम से आजाद किया जाता है, हकीकत की रिवायत है। लेकिन चंद आदमियों की मुख्य नहीं होती, इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो सब समझेंगे। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको भी इनकी कदर नसीब फरमाए, आने वाले रमजान के मुबारक को हमारे लिए बरकत वाला बनाए, हमें आफियत तंदुरुस्ती के साथ वहाँ पहुँचाए, आफियत तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इबादत आमाल करने की इसमें तौफीक अता फरमाए। आमीन वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। 15 संडे मंडे ट्यूजडे, लेकिन अगर किसी से ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल शाबान में कसरत अय्याम में 20, इसको अय्याम में 20 कहते हैं, 13-14 पढ़ना, इसलिए कि उस वक्त चांद जो होता है वो सुफेदी पर आ जाता है, इसलिए उनको अय्याम में 20 कहा जाता है। तो ये 3 रोजे हर महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि 3 रोजे, लेकिन अगर किसी से 13-14 पढ़ना नहीं हो सकता तो कम से कम 15वीं तारीख का एक रोजा भी रख ले, एक रोजा पढ़, और वो रोजा रख के तो नियत ये करे कि नबी पाक अब शाबान में ज्यादा रोजा रखते थे, मैं भी रोजा रखता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम बीद में रोजा रखने का रोजा रखते थे, मैं भी रोजा रख रहा हूँ, ये नियत करे। ये नियत न करे कि सुन्नत है, ये नफल है, मुस्तहब है, कोई नियत न करे, नियत ये करे। मैं अपनी बातें नहीं कहता, मैं आप हजार के सामने मुफ्ती तकी साहब की और बुजुर्गाने दीन की बातें आपको सुना रहा हूँ। तो रोजे के मुतालिक मैंने आपको बताया, संडे मंडे ट्यूजडे बेहतर ये है कि 3 रोजा रखे, जिसको अय्याम बीद कहा जाता है, और अय्याम बीद के रोजे ये साबित है जब ये पास सब रखते थे, एक रोजे का 10, एक रोजा रखे कि 10 का सवाल, तो अगर 3 रोजा रखा तो पूरे महीने के रोजों का सवाल मिलता है। ये हर महीने में रखना है, लेकिन इसलिए अगर कोई रखना चाहे संडे मंडे ट्यूजडे, अगर संडे मंडे कोई नहीं रख सकता ना, कोई हर्ज नहीं है, कम से कम एक रोजा भी रख ले। शाबान अल्लाह के रसूल कसर से रोजे रखते थे, उंगली कत्ता के शहीदों में नाम ऐसा भी कर सकते हैं। मेरा नाम नहीं करेगा मुलसा में ना कहा तो मैं ना नहीं कहता, रोजा मैं भी रखूंगा 15 शाबान का, आप भी रखिए। दुआ फरमाए अल्लाह की तौफीक अता फरमाए। आमीन वास्तव।